हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपका ब्राइट फ्यूचर यूट्यूब चैनल में। आज हम टू द पॉइंट प्रोग्राम में ग्रेट बैरियर रीफ के बारे में पढ़ेंगे। ग्रेट बैरियर रीफ का परिचय पढ़ेंगे, ग्रेट बैरियर रीफ का महत्व, कोरल क्या है, कोरल संकटग्रस्त क्यों है एवं इसके अन्य तथ्य, इसके बारे में हम विस्तृत जानकारी आपको देंगे। तो पढ़ते हैं हम ग्रेट बैरियर रीफ का परिचय। यह दुनिया का सबसे बड़ा कोरल रीफ इकोसिस्टम है। इसका विस्तार ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड तट के समांतर लगभग 2000 किलोमीटर तक है। इसके प्राकृतिक महत्व को देखते हुए यूनेस्को ने 1981 में इसे विश्व विरासत स्थल घोषित किया था। यह दुनिया के 7 प्राकृतिक आश्चर्यों में से एक है। अब जानेंगे हम ग्रेट बैरियर रीफ का महत्व। यह हमबैक वेल का प्रजनन क्षेत्र है। यहाँ डुगोंग और बड़े हरे समुद्री कछुओं जैसे कुछ संकटापन प्रजातियों का आवास भी है। यहाँ वेल, डॉल्फिन और पोर्पोइसेज की लगभग 30 प्रजातियाँ पाई जाती हैं। ग्रेट बैरियर रीफ में समुद्री कछुओं की लगभग 6 प्रजातियाँ प्रजनन के लिए आती हैं। यहाँ मछलियों की लगभग 1500 प्रजातियाँ और समुद्री सांपों की लगभग 17 प्रजातियाँ निवास करती हैं। कोरल रीफ क्या है? कोरल पॉलिप्स जीव से कोरल रीफ का निर्माण होता है। पॉलिप्स के शरीर के चारों ओर कैल्शियम कार्बोनेट का खोल होता है। ये पॉलिप्स जो जैंथली नामक शैवाल के साथ सहजीवी संबंध स्थापित करता है। पॉलिप्स जो जैंथली को आवास प्रदान करता है, वहीं जो जैंथली प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण कर पॉलिप्स को ऊर्जा देता है। कोरल का विकास उथले जल में होता है जहाँ सूर्य प्रकाश पहुँच सके। कोरल के विकास के लिए पानी का तापमान 21 डिग्री से 29 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच होना चाहिए। कोरल को जीवित रहने के लिए लवणीय जल का होना जरूरी है। इसी वजह से कोरल का विकास ज्वार नदमुखों में नहीं होता। कोरल संकटग्रस्त क्यों है? जलवायु परिवर्तन कोरल रीफ्स के लिए सबसे बड़ा खतरा है। समुद्र का ताप बढ़ने पर कोरल ब्लीचिंग में बढ़ोतरी होती है। ग्रेट बैरियर रीफ 1998 और 2002 में दो बार बड़े पैमाने पर कोरल ब्लीच का सामना कर चुकी है। अति मत्स्यन के कारण कोरल रीफ्स की परिस्थितिकी बिगड़ जाती है। वर्तमान में लगभग एक तिहाई रीफ बनाने वाले कोरल पर विलुप्ति का खतरा मंडरा रहा है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि 2050 तक सभी कोरल रीफ संकटग्रस्त हो जाएंगे। कोरल रीफ के बारे में अन्य तथ्य। ग्रेट बैरियर रीफ का निर्माण लगभग 2900 अलग अलग रीफ्स से मिलाकर हुआ है। यह आकार में चीन की दीवार से भी बड़ी है। यह अंतरिक्ष से भी देखी जा सकने वाली पृथ्वी की एकमात्र जीवित वस्तु है। कोरल रीफ को समुद्र का उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन भी कहा जाता है। ये भी इम्पोर्टेंट है। कोरल रीफ कुल समुद्री जल के 1% से भी कम स्थान पर है, जबकि इसमें 25% से अधिक समुद्री जैव विविधता पाई जाती है। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो कृपया अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें एवं सब्सक्राइब करें एवं ब्राइट फ्यूचर फेसबुक ग्रुप को ब्राइट फ्यूचर नाम सर्च करके ब्राइट फ्यूचर ग्रुप ज्वाइन करें, और कोई समस्या हो तो व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करें। जय हिंद।